मामा शिवराज ने जिस आदिवासी के धोए पैर, उसने सामने आकर दिया बड़ा बयान। हाँ बाबू, इससे आगे नहीं जाते हैं हम, हमारी मांग ही है सरकार से। दशरथ रावत ने दिखाई ऐसी दरिया दिली जिसकी पूरी दुनिया कर रही तारीफ। जो गलती हो गई थी हो गई, अब उसको छोड़ दीजिए। अब प्रवेश शुक्ला को छोड़ दीजिए। घमंड में चकनाचूर प्रवेश शुक्ला को दशरथ रावत ने दिखाई इंसानियत। हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसे छोड़ दे। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा देश सन्न रह जाता है। सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो नशे में धुत होकर एक आदिवासी दशरथ रावत के ऊपर पेशाब कर रहा है। ये पूरा वाक्य इतना घिनौना था कि जिसने भी देखा कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। इस शर्मनाक हरकत को करने वाले शख्स को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पूरे देश और मानवता के लिए तो घटना शर्मसार करने वाली थी ही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के लिए तो ये वाक्य काटो तो खून नहीं मुहावरे के समान था। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। शिवराज सिंह चौहान सत्ता बरकरार रखने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में इस घटना से उनकी नींद उड़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया। आनन फानन में आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण का हवाला देकर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोए और घटना के लिए माफी मांगी, साथ ही अपने साथ बिठाकर उसे खाना खिलाया। लेकिन अब इस पूरे कांड के बाद दशरथ के घर जब मीडिया पहुंची तो उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आरोपी प्रवेश शुक्ला के लिए देखिए क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ बाबू, इससे आगे नहीं जाते हैं हम, हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई अब उसको छोड़ दी जाए। जी हाँ, प्रवेश शुक्ला को छोड़ दी जाए, जो हो गया तो हो गया, अपने आप अपनी गलती महसूस कर ली। हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। सब मिली है, मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिए हैं। जी हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दे जाए, अब इसको भी कर दें। और कोई मांग है आपकी? अब कोई मांग नहीं, हमारी एक रोड की मांग है बस, करंदी से कुरी तक की, बस हमारी वो मांग कुछ नहीं। तो देखा आपने दशरथ रावत किस तरह से दरिया दिली दिखाते हुए प्रवेश शुक्ला को माफ कर दिया। जहाँ प्रवेश घमंड में चूर था, वहीं दशरथ रावत की दरिया दिली ने सबका दिल जीत लिया। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।